दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री आलिया भट्ट जल्द ही मां बनने वाली हैं और दशहरे के खास दिन पर आलिया भट्ट के गोद भराई की रस्म रखी गई, जिसमें इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार और कुछ खास दोस्त शामिल हुए थे। और इन दिनों सोशल मीडिया पर आलिया की गोद भराई की रस्म की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। वहीं इनकी गोद भराई की रस्म में इनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत दी और इनकी गोद भराई की रस्म को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट की गोद भराई की रस्म पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ सितारों ने आलिया भट्ट को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं। जी हाँ, आखिरकार वो कौन से सितारे हैं और इन्होंने आलिया भट्ट को गोद भराई की रस्म पर कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर एक, करण जौहर। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर भी आलिया भट्ट की गोद भराई की रस्म में शिरकत दी। आलिया भट्ट को उनकी गोद भराई की ढेरों बधाइयां दी, साथ ही इन्होंने आलिया भट्ट को उनकी गोद भराई पर काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं। जी हां, करण जौहर ने आलिया भट्ट को डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया है, जो कि काफी डिजाइनर और यूनिक है। इसी के साथ बता दें कि इन्होंने जो नेकलेस आलिया भट्ट को गिफ्ट में दिए हैं, उस नेकलेस की कीमत 10 लाख से ऊपर ही बताई जाती है, क्योंकि वो नेकलेस प्योर हीरो का है। नंबर दो, दीपिका पादुकोण। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी कई सुपरहिट फिल्म देने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आलिया भट्ट की गोद भराई की रस्म में गई थी, जहां इन्होंने आलिया भट्ट और उनके आने वाले बेबी के लिए उन्हें ढेरों बधाइयां दी और बेस्ट विशेष भी दी हैं। इसी के साथ बता दें कि दीपिका पादुकोण ने आलिया भट्ट को उनकी गोद भराई की रस्म पर सोने की चैन गिफ्ट की है, साथ ही इनके आने वाले बेबी के लिए भी सुंदर सा लॉकेट वाला चेन गिफ्ट किया है, जो कि काफी डिजाइनर और इनकी दोनों चैनों की कीमत 3 लाख बताई जाती है। वेल दोस्तों, आप आलिया भट्ट की गोद भराई पर मिले इन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।